मैं यूएस जा रहा हूँ कंपनी की तरफ से। चलो इस उम्र में माई यूएस देख लेगी। एक अकोमोडेशन देखा है, इंडिविजुअल रूम्स, पर्सनल अटेंडेंस, फुल 5-स्टार लग्जरी। सुपर्ब। माई के लिए। वैसे ये कमरे का घर है और हम 6 लोग रहते हैं यहाँ, फिर मैं माई को भी यहाँ लेने आ सकती ना। हेलो राधिका, सुन तुम माई को अपने घर रख सकती है? हम लोग तो कल स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, आपको पहले बताना था ना दी। धूप में चलते हैं। पागल हो गई हो तुम मधु, कहाँ सोएगी माई? दो ही बेडरूम है हमारे पास। और मैं अपना रूम नहीं छोड़ूंगी। जस्ट शट अप। अपनों की छांव में। हम आप लोगों को कोई तकलीफ देना नहीं चाहते। माई ओल्ड एज होम में नहीं रहेगी। चंदा की बिंदिया माथे सजा के सोने चली है रात। इतने सारे फोटो हैं पर एक फोटो भगवान का नहीं। माई के हाथों में सोने का कंगन हुआ करता था ना। माई तुम्हारे कंगन कहाँ गए? एक्चुअली मधु यूएस जाने के खर्चे बहुत हो गए। आपकी उम्र क्या है? आपको इतना पता नहीं, औरत से उम्र नहीं पूछते। मुन्ना का फोन आया था, कल बुलाया है। कैसे नहीं बुलाता, मेरा जो बेटा है। ये क्या हो रहा है चारू? I'm shifting. लड़की के घर रहना कोई अच्छी बात है क्या? कब ले जाएगा मुझे? मैं बाद में बुला लूंगा। तुम्हारा भाई ऐसा नहीं, माई ऐसी नहीं, सारी प्रॉब्लम तो हम दोनों में है ना। आजकल सब धुंधला धुंधला दिखाई देता है। तुम्हारी माँ के अलावा और कुछ दिखता है तुम्हें? उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ मैं कि कब मुझे छुटकारा मिलेगा। तुम्हारा भाई साला छोड़ गया माई को मेरे पास, और तुम्हारी बहने एक बार मुंह नहीं खोला उन लोगों ने। मुन्ना तेरा वीजा। बहुत अच्छे है रे, उसका पति उससे भी बहुत ज्यादा अच्छा है, पर जवाई का घर जवाई का होता है रे। तुम और सीमा इस बार बेटी पैदा करना, बुढ़ापे में काम आएगी। चंदा की बिंदिया माथे सजा के सोने चली है रात।